हेलो गाइस, होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल फार्माकेयर। माय नेम इज़ अनिल शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी विद द टॉपिक ऑफ टर्पेनॉइड्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम, एंड दोज हु हैव येट नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी विद द डेफिनेशन। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम टर्पिनॉइड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। टर्पिनॉइड्स इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट हुज स्ट्रक्चर मे बी डिवाइडेड इंटू अ डेफिनेट नंबर ऑफ फाइव कार्बन कंटेनिंग यूनिट कॉल्ड एज अ आइसोप्रीन यूनिट। एक टर्पिनॉइड्स क्या होता है? टर्पिनॉइड एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो कि प्लांट से हम ऑप्टेन करते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन के अंदर फाइव कार्बन कंटेनिंग आइसोप्रीन जो यूनिट होती है वो उसके अंदर फाइव कार्बन होते हैं। किसी भी टर्पिनॉइड्स के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट जरूर मिलेगी। सेकेंड इसमें बोल रहा है कि जो दे हैव अ अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ अ लिंक्ड आइसोप्रीन यूनिट जनरली हैविंग अ फॉर्मूला ऑफ C5H8N। दे हैव अनसेचुरेट जो टर्पिनोइड्स होता है वो एक अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल होता है जो कि आइसोप्रीन जिसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट लगी होती है और जिसका जनरली फॉर्मूला होता है C5H8N। N मतलब अगर बाय चांस कोई N अगर 2 होगा तो वो डाइटर्पीन्स हो जाएगा, अगर वो 3 होगा तो ट्राइटर्पीन्स, अगर 4 होगा 5 होगा, कुछ भी हो सकता है वो N। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं टर्पिनॉइड्स के एग्जाम्पल। सबसे पहले यूजिनॉल जो कि तुलसी में पाया जाता है, सिट्रल सिट्रस में आता है, मेंथल होता है, कैम्फर होता है, और बहुत सारे आपके एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि टर्पिनॉइड्स कलरलेस लिक्विड होता है। सेकेंड इज दे आर वॉलेटाइल इन नेचर। टर्पिनॉइड्स जो होते हैं वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, और टर्पिनॉइड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 150 to 180 डिग्री सेल्सियस होता है। फोर्थ पॉइंट इज सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, तो ये सॉल्यूबल होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एग्जाम्पल आते हैं अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। जी जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें तो सॉल्यूबल होता है, बट इनसॉल्यूबल इन द वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ टर्पिनॉइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कि टर्पिनॉइड्स को अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट से अगर हम पास करेंगे तो या तो वो लाइट को लेफ्ट की तरफ टर्न करेगा या राइट की तरफ टर्न करेगा। अगर राइट की तरफ टर्न करा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, अगर लेफ्ट की तरफ टर्न करा तो लीवियो रोटेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टर्पिनॉइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है कि दे आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ये तो डेफिनेशन में ही बता दिया है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं टर्पिनॉइड। कोई भी टर्पिनॉइड्स हो वो पक्का अनसेचुरेटेड कंपाउंड होंगे। सेकेंड पॉइंट है कि दे अंडरगोज द एडिशन रिएक्शन। कोई भी टर्पिनॉइड्स अगर उसको हम हाइड्रोजन या हेलोजन एसिड्स के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो एडिशन रिएक्शन जाएगा। एडिशन रिएक्शन जाएगा तो एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे कि NOCl या NOBr या हाइड्रेट्स, कोई भी अपने हाइड्रेट्स बनाएगा। नेक्स्ट दे अंडरगोज द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जाएंगे या डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जाएंगे इन द रिंग। पॉलीमराइजेशन का मतलब कि बहुत सारे टर्पिनॉइड्स आपस में लिंक होके क्रॉस लिंक बन के एक नेटवर्क बनाएंगे जिसको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि टर्पिनॉइड्स के अंदर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। फोर्थ पॉइंट इज ऑन द थर्मल ऑक्सीडेशन। अगर हम टर्पिनॉइड्स को थर्मल ऑक्सीडेशन के थ्रू रिएक्शन करवाएं तो टर्पिनॉइड्स में जो आइसोप्रीन यूनिट होती है जो कि फाइव मेंबर्ड रिंग होती है वो एज अ प्रोडक्ट इवॉल्व होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टर्पिनॉइड। कोई भी
फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को पढ़ने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ दैट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले टर्पिनॉइड्स के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आता है उसको बोलते हैं लीबरमैन बुचार टेस्ट। लीबरमैन बुचार टेस्ट के अंदर प्रोसीजर जो आता है वो होता है फ्यू मिलीग्राम ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू इधर है कि हमारे पास क्रूड ड्रग होगा टर्पिनॉइड्स का, जो कि हमने एक्सट्रैक्ट करा होगा किससे, प्लांट से। प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके उसका रेजिड्यू निकालना है हमें, उसको मैसरेट करना है, उधर से एक्सट्रैक्ट निकलेगा, उस एक्सट्रैक्ट का फ्यू मिलीग्राम हमें लेना है, उसके अंदर 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इज अ क्लोरोफॉर्म, उसमें ऐड करना है एसिटिक एनहाइड्राइड, देन कॉन्क H2SO4 3 ml डालना है। बट इधर एक प्रिकॉशंस याद रखना है कि साइड ऑफ द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब के थ्रू डालना है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि ये प्रोसीजर करने के बाद या तो पर्पल कलर आएगा या ब्लू कलर आएगा। अगर पर्पल कलर आया तो वो टर्पिनॉइड्स हो गए, ट्राई टर्पिनॉइड्स, अगर ब्लू कलर आया तो वो स्टेरॉल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर दी टर्पिनॉइड्स इज सेल वॉक्सी टेस्ट। उसमें प्रोसीजर होता है कि मिक्स 2 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, 2 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म मिक्स करना है, किसमें, एक्सट्रैक्ट के अंदर 2 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म ऐड करना है, और उसके बाद कॉन्क H2SO4 3 ml वही उस बाय द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब ही ऐड करना है, और एक लेयर बनेगी इस प्रोसीजर के बाद। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है अगर रेडिश ब्राउन कलरेशन आया तो वो इंडिकेट करेगा कि वो टर्पिनॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द टर्पिनॉइड्स। क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट। आइसोप्रीन यूनिट मतलब कोई भी टर्पिनॉइड्स के अंदर कितनी 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस में क्लासिफिकेशन ऑफ द टर्पिनॉइड्स होगी। अगर किसी भी टर्पिनॉइड्स के अंदर 2 सब यूनिट होंगी आइसोप्रीन की तो उसको बोलेंगे मोनोटर्पीन्स, अगर 3 होंगी तो उसको बोलेंगे सेसिक्यूटर्पीन्स, अगर 4 होंगी तो उसको डाइटर्पीन्स, अगर 6 होंगी तो ट्राइटर्पीन्स। सबसे पहले हम मोनोटर्पीन्स पढ़ लेते हैं। मोनोटर्पीन्स के अंदर 10 कार्बन होते हैं और 2 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, इधर सी मतलब कार्बन है। नेक्स्ट पॉइंट मोनोटर्पीन्स के अंदर होता है दे कंटेन्स दी हाइड्रोकार्बन एल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन। उनके अंदर क्या क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है एंड कीटोन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोटर्पीन्स की है एग्रीएबल इन द ऑर्डर एंड प्लीजेंट इन द फ्लेवर। इनका एग्रीएबल ऑर्डर होता है और अच्छा फ्लेवर फ्लेवर होता है, इसीलिए इनको परफ्यूम्स में और कॉस्मेटिक सोप्स में यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द मोनोटर्पीन्स इज जेरिनियोल, लेमोनिन, मेंथोल, यूज एज अ माइल्ड लोकल एनेस्थेटिक एंड एंटीसेप्टिक। इनको क्या करते हैं हम, लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं और एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं, और इंटरनली इनको यूज कर सकते हैं एज अ कार्बिनेटिव एंड अ गैस्ट्रिक सेडेटिव। कार्बिनेटिव होता है जो एजेंट गैस निकालता है उसको बोलते हैं कार्बिनेटिव, गैस्ट्रिक सेडेटिव मतलब आपको स्लीपनेस देगा ये। लास्ट पॉइंट इज कैम्फर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड यूज एज अ टॉपिकल एंटीसेप्टिक एंटीपायरेटिक एंड काउंटर इरिटेंट एंड कार्बिनेटिव। जो कैम्फर होता है वो बाइसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड का एक एग्जाम्पल होता है, जिसको हम टॉपिकल एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक, पायरेटिक मतलब फीवर को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं, काउंटर इरिटेंट होता है कि कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको कम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कार्बिनेटिव में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेसिक्यू टर्पीन्स। मोनो टर्पीन्स के बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक इज सेसिक्यू टर्पीन्स। सेसिक्यू टर्पीन्स के अंदर हमारे 15 कार्बन आते हैं और 3 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, मतलब एक आइसोप्रीन यूनिट के अंदर 5 कार्बन होते हैं और 3 यूनिट के अंदर 15 कार्बन होंगे, इसलिए सेसिक्यू टर्पीन्स के अंदर 15 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं फेरनिसोल, जिंजीबेरिन। जिंजीबेरिन जो होता है वो जिंजर के अंदर होता है। सेनोटोनिन जो एंटी हिलमिंथिक होता है, जो हिलमिंथिक्स जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो रहते हैं उनको मारने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट आता है आपका डाइटरपीन्स। डाइटरपीन्स के अंदर 20 कार्बन्स होंगे और 4 आइसोप्रीन, मतलब हर एक आइसोप्रीन यूनिट के अंदर एक 5 कार्बन होते हैं, तो फिर 4 आइसोप्रीन यूनिट के अंदर 20 कार्बन होंगे, इसलिए डाइटरपीन्स के अंदर 20 कार्बन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे आर फाउंड मेनली इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ज्यादातर पाया जाता है, फंजी के अंदर पाया जाता है। ऑल्दो दे हैव ऑल्सो फाउंड इन द मेरीन ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट, मतलब ज्यादातर इनके प्लांट्स के अंदर और फंजाई के अंदर ही पाया जाता है, बट मेरीन ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स के अंदर भी पाया जा सकता है डाइटरपिनोइड्स। एबैटिक एसिड मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोलोफोनी रेजन। जो एबैटिक एसिड होता है वो डाइटरपिन्स को एज एन एग्जाम्पल मान सकते हो, जो कि कोलोफिनी रेजन्स के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइटरपिनोइड्स। ट्राइटरपिनोइड्स इज कंसिस्टिंग ऑफ 30 कार्बन्स एंड 6 आइसोप्रीन यूनिट्स। एग्जाम्पल इसमें ग्लाइसीराइजिनिटिक एसिड होता है, जो कोई लिक्योराइज के अंदर पाया जाता है। एक ग्लाइकॉन ऑफ ग्लाइकीराइजिन सेपोनिन फ्रॉम अ ग्लाइकीराइजिया ग्लैबरा रूट्स ऑफ इज एन एंटी अल्सर एजेंट। ये जो ग्लाइसीराइजिनिटिक एसिड एसिड होता है वो लिक्योराइज के अंदर पाया जाता है। एक ग्लाइकोन पार्ट जो ग्लाइसीराइजिन का होता है, मतलब विदाउट अ शुगर। ग्लाइकोन मतलब होता है शुगर, ए मतलब विदाउट। विदाउट अ शुगर पार्ट ऑफ अ ग्लाइसीराइजिन सेपोनिन फ्रॉम द रूट्स ऑफ दिस लिक्योराइज, इसका नाम होता है ग्लाइसीराइजिया ग्लैबरा। बायोलॉजिकल नेम होता है, जो कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी अल्सर एजेंट। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी और क्वेश्चन कमेंट बिलो दिस वीडियो। इफ एनीवन येट नॉट सब्सक्राइब माय चैनल फार्माकेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर दी अपकमिंग वीडियो रिलेटेड टू द फार्मेसी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल।